हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। सो अभी टाइम हो रहा है 12:30, और 12:30 बजे बना रही हूँ मैं सुबह की नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ फूल गोभी के पराठे। और तो ये देखिए, इतना बड़ा पराठे बना रही हूँ मैं, जो कि ये सूखा सूखा यही खाएंगे, तो उनके लिए बना रही हूँ। और मेरे लिए तो मैं घी वाला बना लूंगी। और आज खाने में बनाऊंगी राजमा आलू, जो कि मैंने कल रात को ही भिगो दिया था। पता नहीं ये कैसे ये सूखे पराठे खा लेते हैं। और ये जो आटा है, इन्होंने बना रखा है मल्टीग्रेन, क्योंकि गेहूं भी ये खरीद खरीद के नहीं लेकर आए थे, बुआ से गेहूं लेकर आए थे। फिर इसमें मक्का, फिर चना, और फिर उस दिन वो रागी, फिर क्या बोलते हैं, फ्लैक्स सीड का कुछ पाउडर वाउडर लेकर आए थे, उसी से बना रखा है। कि इनको निकलना पड़ेगा जल्दी जल्दी, और अभी टाइम हो गया है 2, तो वो 3 बजे 3:30 बजे कह रहे मैं निकल जाऊंगा, इसीलिए मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो प्रेशर इसका रिलीज हो चुका है, तो मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ गरम मसाला, और ऊपर से ऐड कर दूंगी ये फ्रेश कोरिएंडर। और इसे भी अब मिक्स करके मीडियम लो हीट पे 2-3 मिनट और कुक कर लूंगी। तो फाइनली बन चुका है खाना, और अभी टाइम भी 3 होने ही वाला है, 10 मिनट बाकी है, तो फटाफट इनको खाना मैं परोस दूँ, नहीं तो फिर हड़बड़ी में खाएंगे और फिर भाग जाएंगे। तो मैं फटाफट इनको खाना परोस देती हूँ, और फिर राजमा को भी मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक, तो ये देखिए आज का हमारा लंच, जो कि फाइनली हो गया है तैयार। तो मैं अभी बैठी भी हूँ ब्लैंकेट के अंदर, क्योंकि आज का वेदर यहाँ काफ़ी अच्छा है और धूप भी नहीं निकला है। कपड़े जो धोए थे तो कोई एक कपड़ा नहीं सूखा है,
तो मैंने वैसे ही उसे बाहर ही रखा है, मैं उसे उठाई भी नहीं, मतलब कि ग्रिल से उठा के ऊपर, मतलब कि अंदर के साइड कर रखा है और अंदर नहीं लाई, क्योंकि अंदर लाने के बाद उसे मतलब कि कहाँ उसे फैलाओ तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसी वजह से मैंने उसे बाहर ही छोड़ रखा है। और आज रात मतलब कि क्या बनाऊंगी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे अभी रात को खाने का मन कर रहा है बिरयानी। सो मैंने इन्हें फ़ोन किया है अभी कि आते वक्त चिकन मेरे लिए भी लेकर आना आज, तो कह रहे तुम्हें चिकन खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा नहीं मैं खाऊंगी आज बिरयानी, तो कह रहे ठीक है मैं लेकर आऊँगा। फिर ये हो जाता है कि कौन सी बिरयानी बनाओ, वाइट वाली फिर या मसाले वाली, तो उसमें और मुझे ज़्यादा मसाले वाली उतनी मुझे पसंद नहीं है जितना कि मुझे वाइट वाली पसंद है। सो वही बनाऊंगी अभी खाने में, जो कि मुझे अच्छा भी लगता है। बिरयानी काफ़ी दिनों से खाने का भी मन कर रहा है, घर गई थी तब से लेकिन हुआ ही नहीं। घर गई तो मम्मी कभी कुछ, तो बिरयानी खाना नहीं हुआ। यहाँ ज्योति आई तो भी नहीं हुआ, तो अब अकेली खाऊंगी। तो मैं अभी खा रही हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि नीचे से मतलब कि मैं नहीं बनाई, आंटी जी बनाई तो भेज दिए मेरे लिए, तो मैं वही खा रही हूँ। और इस मौसम में तो गाजर का हलवा कैसे भी बनाओ बहुत टेस्टी लगता है, सो अच्छा भी है। और मैं इनसे भी कह रही थी कि हम भी बनाएंगे गाजर का हलवा, तो कह रहे कोई ज़रूरत नहीं है, हलवा बनाने में बहुत गैस ख़त्म होती है तो कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, मैं खरीद के लाऊंगा वो सही है, लेकिन गैस तुम्हें गैस खराब करने की ज़रूरत नहीं। और फिर पता नहीं तुम इतना ज़्यादा मीठा भी डालती हो, क्योंकि मुझे थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है, तो अंबिका भी दे कर गई, तो वही कह रही है कि अगर मीठा कम हो तो डाल देना, क्योंकि हम मीठा कम खाते, तो मैंने कहा ठीक है।